नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो अमरूद के बाग की दिखा रहा हूँ। एक नया बाग लगा हुआ है बर्फ खान और ताइवान पिंक का। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो ग्राफ्टिंग से नीचे का फुटाव है, ये देखिए ये जो फुटाव है ये ग्राफ्टिंग के नीचे का है। यहाँ पे इसमें ग्राफ्ट है, जोड़ है, कलम है जो यहाँ पे लगी हुई है, इससे नीचे का फुटाव बिल्कुल तोड़ के आपने रखना है, इतना बड़ा नहीं करना है। ये जो फुटाव है ऊपर वाले तने का रस चूस के बड़ा होता है, ऊपर वाले पौधे को सुखा भी सकता है। ये देखिए दूसरे पौधे में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए इस पौधे के अंदर भी नीचे से फुटाव निकले हुए हैं। यह आपको समय समय पे एक हफ्ते में 10 दिन में इसमें हाथ ज़रूर निकालना है, इसको तोड़ना है। ये ग्राफ्टिंग से नीचे सूट नहीं निकलना चाहिए, ये बात सभी भाइयों को ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी सूट निकली हुई है, ये देखिए कितनी लंबी सूट इसके अंदर निकली है। आप इसको बिल्कुल तोड़ें, साफ रखें तने को। ये इसमें यहाँ पे ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग से ऊपर आपको बिल्कुल साफ रखना है। ये देखिए ये बर्फ खान वैरायटी है और इसका जो डिस्टेंस है वो 10x10 पे है, दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस है 10x10 का। पौधे बहुत ही अच्छे हैं, ग्रोथ पे चल रहे हैं और लगभग 2 महीने इनको लगे हो गए और सब में नया फुटाव और नए सूट निकलने शुरू हो गए हैं। किसान भाइयों, बारिश का महीना था इसलिए इसके अंदर वीड बहुत ज़्यादा उगा हुआ है और ये किसान इसके बीच में वीड निकाल रहे हैं। आज की वीडियो में मेन उद्देश्य मेरा दिखाने का यही था, ग्राफ्टिंग से नीचे आपको कोई भी फुटाव नहीं रखना है। इसी एक पौधे में फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सारे फुटाव आपको 10 दिन के अंदर, हर 10 दिन में तोड़ने होते हैं, वरना ये ऊपर वाले जो पौधा है फुटाव है उसके रस को, उसकी ताकत को खींच के बड़े होते हैं, उसको सुखा भी सकते हैं, पौधे को मार भी सकते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। जो नीचे वाला रूस्टक होता है वो हैवी होता है, मजबूत होता है और ताकत को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बाग लगा हुआ है, न्यू प्लांटेशन है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है। चलिए किसान भाइयों, आज का मेरा उद्देश्य यही था वीडियो दिखाने का, ग्राफ्टिंग से नीचे का फुटाव आपको तोड़ के रखना है, किसी भी पौधे में आपको कलम से नीचे फुटाव नहीं रखना है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।